संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लॉन्च होने के मौके पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां जैसे कि रतन टाटा और स्वर सामग्री लता मंगेशकर उपस्थित होंगी। इनके अलावा और भी कई जानी मानी हस्तियां इस अवसर पर केंद्रीय कक्ष की शोभा बढ़ाती रहेंगी। जब आजादी के बाद के सबसे बड़े कर सुधार यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले 1997 में आजादी की स्वर्ण जयंती के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें आधी रात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार संसद के केंद्रीय कक्ष में व्यव्य कार्यक्रम होगा जिसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार की शुरुआत के लिए चुना गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1947 की आधी रात की याद दिलाने वाला होगा जब भारत अपने भविष्य की राह पर आगे निकला था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी इस नई कर प्रणाली की शुरुआत के ऐतिहासिक क्षण पर आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि GST के लागू होने से 2000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को नया आकार मिलेगा। बताया जा रहा है कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को होने वाली कठिनाई को देखते हुए कांग्रेस ने GST के बहिष्कार का फैसला लिया है। इसके साथ ही वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस भी कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत रात 11 बजे होकर आधी रात तक चलेगा, जिसके साथ ही देश में माल एवं सेवा कर व्यवस्था शुरू हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मंच पर विराजमान होंगी। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर भी इस अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित होंगी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी उपस्थित होंगे। इसके साथ ही राज्यों से भी अनेक गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।